शिक्षा ही नहीं अपितु अच्छे संस्कार बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। विगत 25 वर्ष से संस्कारवान शिक्षा देने में सफल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुमाऊं पिथौरागढ़। नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। जाजरदेवल थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बालिकाएं अचानक लापता हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला ने थाने जाकर सूचना दी कि उसकी दो बेटियां 13 वर्ष और 16 वर्ष की बिना बताए घर से चली गई हैं, जिनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उप निरीक्षक जितेंद्र सोराड़ी की अगुवाई में दोनों बालिकाओं की गहन खोजबीन शुरू की। कुछ ही घंटे के भीतर पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र से दोनों बालिकाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। बालिकाओं की माता ने पुलिस का आभार जताया है। जागुटा पहाड़ ने सार्वजनिक पेयजल स्टैंड के कनेक्शन काटे जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि जल संस्थान प्रभावशाली व्यक्तियों और होटल में लगे अवैध संयोजनों को काटे। उन्होंने कहा कि घाट पेयजल योजना में सुधारीकरण के नाम पर करोड़ों की धनराशि खर्च की जा चुकी है, इसके बाद भी नगर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारे इष्ट देवता ने, मोष्टा देवता ने हमारी प्रयास सुनी, जनता की पीड़ा को समझा और आप देख रहे हैं लगातार तब से शहर में बरसात हो रही है, जंगलों की आग बुझ गई है और हमारे नौले कुएं धारे रिचार्ज हो रखे हैं। किंतु जब देवताओं तक हमारी बात पहुंच चुकी है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, विभाग अभी भी अपनी पेयजल प्रणाली को सामान्य नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक और पानी पंचायत की आड़ में विभाग लोगों के कनेक्शन काटने में मजबूर है, जो लोग प्रदर्शन में आए थे, जिस जनता ने प्रदर्शन किया था, उनको विभाग कनेक्शन काटने के नाम पे उनका अपहरण करने कर रहा है। और दूसरी ओर कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनको मेन राइजिंग कनेक्शनों से लाइन से पानी दिया गया है, जिनके घर में 24 घंटे पानी चल रहे हैं, जिन होटलों में 24 घंटे पानी चल रहे हैं, जिनके अवैध कनेक्शन चल रहे हैं, उन लोगों पे विभाग हाथ डाल नहीं डाल रहा। दो वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रभारी मंत्री ने घाट योजना की जांच के निर्देश दिए थे, जो अब तक नहीं हुई। उन्होंने घाट पेयजल योजना की अविलंब SIT जांच कराए जाने की मांग की। गंगोलियार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शारीरिक शोषण कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले को पिथौरागढ़ पुलिस और SOG टीम ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। गंगोलियार क्षेत्र की महिला ने थाने में सूचना दी कि सूरज कुमार ने जबरदस्ती उसका शारीरिक शोषण किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी सूरज कुमार को होशियारपुर जलंधर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में चल रही मीडिया लिटरेसी कार्यशाला के दूसरे दिन बच्चों ने सीखा वीडियो बनाना और एडिटिंग करना। बच्चों ने विद्यालय परिवेश से जुड़े विभिन्न विषयों का चयन करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वीडियो स्टोरी तैयार की। कार्यशाला के अंत में स्क्रीनिंग की गई। प्रतिष्ठित पत्रकार रोहित जोशी ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बच्चों को टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से समाचार वाचन का अभ्यास कराया गया। प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने कहा कि यह कार्यशाला बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। आबकारी एक्ट में वांछित 7 वर्ष से फरार चल रहे शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त संदीप कुमार हरियाणा से अवैध शराब लाकर पिथौरागढ़ में बेचता था। वर्ष 2017 में पुलिस ने उसे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया। न्यायालय ने उसे मफरूर घोषित कर दिया था। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। कोतवाल राजेश यादव और SOG प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। सामुदायिक पुस्तकालय में पब्लिक स्कूलों के पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक के टॉपर विद्यार्थियों को जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और डिक्शनरी उपहार स्वरूप दी गई। जौहर शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसक्तू ने पुस्तकालय टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृष्णानंद उप्रेति की जीवनी अपनी वेबसाइट पर जारी की है। जिला मुख्यालय के नजदीकी हुड़ेती गांव के रहने वाले सेनानी
कृष्णानंद उप्रेती ने देश की आजादी के लिए कई बार जेल यात्राएं की, गांव-गांव जाकर स्वतंत्रता की अलग जगाई। जीआईसी स्कूल की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह शिक्षा के बड़े पैरोकार थे। उन्हीं के गांव में कांग्रेस पार्टी का पहला कार्यालय खुला और यहीं कुमाऊं भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मीटिंग हुआ करती थी। उनके साहित्यकार पौत्र राजेश मोहन उप्रेती ने बताया कि सेनानी कृष्णानंद उप्रेती की जीवन गाथा अब गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पढ़ी जा सकती है। मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।